तो ये है शिवा फेस जो रॉक पे फॉर्मेशन बनी हुई है, और ये देखिए टॉर्टोइस, ये टॉर्टोइस बहुत ही शानदार बीच है, और ये सीक्रेट बीच, और ये है सीक्रेट बीच ऑफ गोवा। तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार, जाट ऑन बीच में आप सभी का स्वागत है। तो मोस्टली मैंने गोवा कवर कर लिया है, साउथ गोवा नॉर्थ गोवा सब मैंने कवर कर लिया है। आसपास के जो बीच हैं वेगाटोर बीच और शिवा फेस, ये दो तीन चीज़ें जो मेरी रह गई थी वो मैं अभी आज करने वाला हूँ। आज आसपास के जितने बीच हैं उसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, एंजॉय कीजिए ब्लॉग का। तो गाइस हम आए हैं देखने शिवा फेस, जो कि एक रॉक पे बना हुआ है शिवा फेस, और नीचे ये बीच पे जाना पड़ेगा उसके लिए, और ये पूरा वेगाटोर बीच है आगे तक, लेकिन ओजोरोन बीच भी कहते हैं इसको। पहले वाला स्टार्टिंग वाला ओजोरोन बीच है, उसके आगे है वेगाटोर। तो हम नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से, और ये है रेड थ्रेड रिसोर्ट है साथ में, यहाँ पे हमने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है पीछे। तो यहाँ स्टेयर से नीचे जाना पड़ेगा, या आगे से फिर घूम के वो रास्ता दिखाई दे रहा है, वो रास्ता आ रहा है वो भी नीचे जाता है। तो चलते हैं अब नीचे की तरफ अपना शिवा फेस के पास। तो गाइस ये देखिए शिवा फेस जो एक रॉक पर बना हुआ है, ओजोरोन बीच है ये वेगाटोर में, और ये बीच देख लीजिए रॉकी बीच है, काफ़ी खूबसूरत बीच है यार। और हम बिल्कुल ऊपर से आए हैं, ऊपर से सबसे ऊंचाई से, और ये बहुत ही अच्छा एक रिसोर्ट बन रहा है, रेस्टोरेंट कम रिसोर्ट, और ये है शिवा फेस। तो नीचे चलते हैं फोटोग्राफी करते हैं और बीच में थोड़ा मस्ती करते हैं। तो गाइस ये बहुत ही एक ऑफबीट प्लेस है यार, यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। बागा चले जाओ, कॉलिंगवुड चले जाओ, वहाँ भीड़ ही भीड़ है यार, वहाँ पे बंदा ही बंदा नज़र आता है, टूरिस्ट ही टूरिस्ट नज़र आता है, और यहाँ पे बिल्कुल शांति है। और ये मैं रॉक पे खड़ा हूँ, ये देखो सामने, और शिवा फेस आपको देखने को मिलेगा उस तरफ स्टार्टिंग में ही। मस्त बीच है, ऑफबीट प्लेस है यार गोवा में, मस्त ज़रूर आएँ यहाँ पे, आपको मज़ा आएगा, शांति मिलेगी, अपना सी पे बैठो एक दो घंटा मज़ा आ जाएगा। समय 10:40 हो गया है और हम थे ओजोरोन बीच में, और ये पूरा फॉरेनर बीच है, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं। अभी अंदर स्विम कर रहे थे मेरे साथ, तो बहुत ही मतलब कि पीस ऑफ माइंड वाला और बिल्कुल एकांत में है ये बीच। और आप गूगल पे शिवा फेस डालेंगे, ओजोरोन बीच डालेंगे, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। मस्त है यार यहाँ पे, अभी एक घंटा मैं पूरा स्विम करा अंदर सी के अंदर, मज़ा आ गया। और ये वेगाटोर का ही पार्ट है, तो अब चलते हैं वेगाटोर। और हम आ गए हैं वेगाटोर बीच पे, और ये भी रॉकी बीच है, बीच बीच में काफ़ी रॉक फॉर्मेशन हुई पड़ी है सी के अंदर भी। और एक बार मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ, ये देख लो ये पूरी रॉक्स हैं यहाँ पे, ये आगे सामने भी रॉक्स हैं, और यहाँ बेड लगा रखे हैं, और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं सारे। और मैं दिखा दूँ सामने है चपोरा फोर्ट, ये सामने ऊपर आप देख पा रहे होंगे वॉल, फोर्ट की वॉल। और यहाँ पे हम गए थे 2 या 3 दिन पहले गए थे यहाँ पे, सबसे पहले जब हम आए थे नॉर्थ गोवा में। तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर है चपोरा फोर्ट, बहुत ही खूबसूरत व्यू है चारों तरफ का, वेगाटोर बीच है और थोड़ा रॉकी बीच है ये। बस अब करें चलेंगे थोड़ी देर बाद मस्ती करके, ये देख लो आप चारों तरफ का व्यू, और पीछे है चपोरा फोर्ट, ये ऊपर
ऊपर से तो व्यू लाजवाब है, मजा आ रहा है। अब एक तो डुबकी मारूंगा फिर निकलूंगा। One hour later. अभी हम भागाटोर से जा रहे हैं अरम्बोल बीच, जो कि यहाँ से 19 किलोमीटर है और गूगल भाई समय दिखा रहा है 40 मिनट कम से कम, और पेट्रोल भी लगभग ख़त्म है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हम 1.5 लीटर पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, आज का काम चल जाए। शाम तक हमें बाइक वापस करनी है, चलते हैं अब अरम्बोल बीच। और वहाँ पे एक फ्रेश वाटर लेक भी है अरम्बोल बीच के पास में ही है, वहाँ भी चलेंगे और वहीं कुछ खा पी लेंगे। तो गाइस 40 मिनट की राइड के बाद हम पहुँच गए हैं अरम्बोल का बीच पे, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉरेनर्स को देखा, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, इसको फॉरेनर बीच भी कहा जाता है। तो देखते हैं अभी चलते हैं, बस पहुँचने वाले हैं, सामने ही है ये देखो बिल्कुल सामने बीच है। पीछे स्कूटी पार्किंग कर दी है और 20 रुपये यहाँ पे उन्होंने चार्ज लिए हैं स्कूटी के, और हम पहुँच गए हैं अरम्बोल बीच पे। ये देखिए सामने बीच, और बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है, नीट एंड क्लीन, और क्राउड भी बहुत ही अच्छा है यहाँ का। ये देख लीजिए बहुत ही बड़ा बीच है और काफ़ी दूर तक है। और पानी के अंदर आ गया हूँ अरम्बोल के बीच पे काफ़ी अंदर आ गया यार, लेकिन अभी यहीं तक है, कमर तक ही है पानी अभी तो, और काफ़ी आगे भी जा सकते हैं लेकिन जाएंगे नहीं। 2 बज चुके हैं, 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पे, हमने वो बेड ले लिया था वहाँ पे, आराम से रेस्ट करा 1 घंटा पूरा। अभी हम जा रहे हैं अरम्बोल के स्वीट वाटर लेक पे, जो यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 5 मिनट दिखा रहा गूगल भाई, 5-10 मिनट लग जाएंगे हमें वहाँ पहुँचने में। और बीच के रास्ते से भी जा सकते थे, वहाँ से 25 मिनट बता रहा था। हम पहुंच गए हैं काफ़ी चलने के बाद इस लेक पे। तो गाइस ये है अरम्बोल लेक जिसके पीछे हम काफ़ी चल के आए हैं, 15-20 मिनट हो गया हमें। ये देखिए अरम्बोल लेक, और काफ़ी आगे आना पड़ता है इसके लिए, और ये सामने बीच है अरम्बोल बीच, और ये है स्वीट वाटर लेक, अंदर जाना मना है। इतनी कोई ख़ास लेक नहीं है, बेकार में टाइम वेस्ट होगा, हाफ एन आवर वेस्ट हो गया, और लेकिन ये बीच अच्छा बीच है। ये भी ये एंड है अरम्बोल का, आखिरी बीच है, मतलब लास्ट साइड है, और काफ़ी मतलब कि पैदल 20-25 मिनट चल के आना पड़ता है यहाँ तक। तो चलते हैं अभी वापसी अपने रिसोर्ट में, कंट्री क्लब दी गोवा। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी एक कमेंट जरूर करना, और इस गोवा के बारे में कोई भी क्वारी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। आप इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है जाट ऑन व्हील्स, नीचे आ रहा होगा। तो चलते हैं वापसी।